नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। धार के नौगांव क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम के लिए बने गोडाउन कैंपस में दो लोगों द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, आज जिसे नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने जमींदोज किया। इस अतिक्रमण को हटाने के पश्चात लगभग 6000 वर्ग फीट जमीन मुक्त कराई जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रूपये बताई जा रही है। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।